हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम नई यूनिट लेके आए हैं फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री, फोटो मीन्स लाइट, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। अतः वह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी भी प्रकार के प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में ये इनकी गति बहुत तीव्र होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में जो लाइट हम डालते हैं उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइट। इसके तीन भाग होते हैं। जब ये लाइट किसी पदार्थ से टकराती है, कुछ लाइट तो पदार्थ से टकरा के ही लौट आती है, जिसे हम कहते हैं IR, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट बीच में पदार्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है, जो अणु और परमाणु एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। और जो लाइट किसी काम की नहीं होती है, बाद में सीधे पदार्थ से बाहर निकल जाती है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अब पदार्थ जो है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं एक्टिनिक, वे पदार्थ जो बहुत अधिक संख्या में प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं एक्टिनिक सब्सटेंसेस। दूसरा होता है डाई एक्टिनिक सब्सटेंसेस, ये वे पदार्थ हैं जो प्रकाश को पारंगत कर देते हैं, अर्थात बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, वो डाई एक्टिनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब प्रकाश रसायन के जो मेन नियम हैं वो दो हैं। एक तो दिया है उन्होंने प्रकाश रसायन का, प्रथम नियम है ग्रोथस ड्रैपर नियम। अब ग्रोथस ड्रैपर ने ये बताया था कि प्रकाश का केवल वही भाग रासायनिक परिवर्तन कर सकता है जो कि अवशोषित होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रकाश के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रिया घटित हो। अर्थात इसका अर्थ है कि पदार्थ में जो रसायन प्रकाश एब्जॉर्ब होगा वो ही रासायनिक परिवर्तन करेगा, और जो बाकी है वो हो सकता है बाहर निकल जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, वेस्ट हो जाए। अतः या और यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई पदार्थ यदि उसको अवशोषित करता है इंसिडेंट लाइट को, तो वो रासायनिक अभिक्रिया करे ही करे, नहीं भी करता है किसी और रूप में बाहर प्रकाश को निकाल देता है। ये है ग्रोथस ड्रैपर का नियम, जिसमें भी अणुओं के और प्रकाश की मात्रा का कोई मात्रात्मक संबंध नहीं है। इसके बाद दूसरा नियम हमारे को दिया था स्टार्क और आइंस्टीन ने, जिसे हम कहते हैं स्टार्क आइंस्टीन का नियम, और ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। इसको हम प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। इस नियम का जो संक्षेप है वो है एक अणु एक क्वांटम, अर्थात एक अणु मात्र एक अणु एक क्वांटम प्रकाश को अवशोषित करता है। अगर एक अणु नहीं है, परमाणु के रूप में एलिमेंट है, तो एक अणु अथवा एक परमाणु जो प्रकाश से सक्रिय होता है एक क्वांटम का अवशोषण करता है। और इसके लिए सूत्र है डेल्टा ई, मतलब चेंज इन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन का मतलब होता है एवोगैड्रो संख्या, ठीक है, 6.023 × 10⁻²। एच का और होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 × 10⁻³⁴ जूल्स इंटू सेकेंड्स। और न्यू आप जानते हो प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इन सब चीज़ों को इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे को एक अणु के लिए एक क्वांटम जो आवश्यकता होती है वो होती है 11.97 × 10⁻²⁷ जूल्स पर मोल। एक मोल के लिए हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक अणु एक फोटोन अवशोषित कर सक्रिय होता है, और प्रत्येक सक्रिय अणु उत्पाद बनाए ये अनिवार्य नहीं है। स्टार्क आइंस्टीन का नियम ये कहता है कि एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम एक h·ν को कहते हैं, यही अगर लाइट होती है तो इसको फोटोन का नाम दे देते हैं। एक अणु एक फोटोन अवशोषित करके सक्रिय होता है, और प्रत्येक सक्रिय अणु उत्पाद दे ये अनिवार्य नहीं है। अतः ए ने h·ν एब्जॉर्ब किया, ए स्टार ए एक्टिव बन गया, और इसने बी बनाया कि नहीं बनाया, ये सेकेंड स्टेप होता है, तो बी। अब हम कहते हैं क्वांटम यील्ड, किसे कहते हैं हम, उसकी क्वांटम लब्धि। क्वांटम लब्धि को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई होता है अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या।
कि उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या या अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटा अवशोषित प्रकाश के क्वांटम की संख्या, कितने क्वांटम अवशोषित हुए इनके अनुपात को हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। जब हम अणुओं की संख्या की बात करते हैं तो हम क्वांटम की संख्या लेते हैं, और यहीं पर यदि हम मोल की बात करेंगे तो लब्धि जो होगी फाई इज इक्वल टू अभिक्रिया करने वाले मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय अवशोषित प्रकार के आइंस्टीनों की संख्या। एक अणु एक क्वांटम देता है, एक मोल एक आइंस्टीन एब्जॉर्ब करता है। ये दो हैं दो नियम, स्टार्क आइंस्टीन लॉ और ग्रोथर्स ड्रेपर नियम। और कल इसके आगे बताएंगे हम आपको कैसे क्वांटम लब्धि निकाली जाती है, कौन कौन सी वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जहां पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नियम लगते हैं, और आगे अब विकिरण किस तरीके से अवशोषित होते हैं, कैसे जेब्लॉन्स की डायग्राम, सब कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में।